शहडोल जिले से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें जबलपुर से शहडोल आई एक 92 साल की वृद्ध को लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और आरोपी फरार हो गए। शहडोल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घटना के 23 घंटे के अंदर आरोपी को धर दबोचा। बीती रात जबलपुर से शहडोल अपने रिश्तेदार के घर आई एक 92 वर्षीय वृद्ध रिश्तेदार के घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान रास्ते में बाइक में सवार भक्तू को लिफ्ट देकर जंगल के रास्ते लेकर गया। इस दौरान वृद्ध महिला से दुष्कर्म किया। इस दौरान वृद्ध को चोट लग गई थी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। से एक वृद्ध महिला परसों रात्रि में रेलवे स्टेशन में आकर रुकी थी और कल अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने, बंधवाड़ा जाने के लिए वो ऑटो से अंतरा देवी जी के मंदिर के सामने उतरी। वहाँ से एक व्यक्ति से लिफ्ट लिया। लिफ्ट लेने के बाद वो बंधवाड़ा के लिए जब रवाना हुई तो वह व्यक्ति उनको भाला करके और गलत रास्ते में ले गया और जंगल में ले जा करके उनके साथ दुष्कर्म किया। और दुष्कर्म के दौरान उनको गुप्तांग में चोटें आईं, ब्लीडिंग हुई। इसके बाद वो लोगों के सहयोग से उनकी सूचना यहाँ पुलिस थाने तक पहुँची, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान वहाँ सारे तथ्य इकट्ठा किए गए तो वहीं अंतरा का ही निवासी भगवंता उर्फ सोनू कोल मुलजिम के रूप में ट्रेस हुआ, जिससे गिरफ्तार किया गया, जिसने अपना जुर्म भी कबूल किया गया है। उसे गिरफ्तार करके और न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।